नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के कर्मचारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा कर्मचारी अधिकारी के 2 सूत्रीय मांग महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुरूप को लेकर समर्थन प्रदान करते हुए दिनांक 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप समस्त कर्मचारी नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा परिसर के बाहर लामबंद होकर एकत्र दिखाई दिए एवं सभी कर्मचारियों के द्वारा निगम के द्वार पर नारेबाजी की गई और शासन को अपनी मांग से अवगत कराया गया। बच्चों की जो राशि है, जो कर्मचारियों का हक है, उसका अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। मैं अभी समय रहते माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर अच्छे संवेदनशील मुख्यमंत्रियों में आपकी अभी भी परिचय है बहुत सुंदर ढंग से, आप इसको उस अन्यथा अहंकार की दृष्टिकोण से या एक प्रेस्टीज इशू बना के कर्मचारियों को ना देखिएगा। एक उसके वेतन का हिस्सा है, उसको आप जल्द से जल्द लागू कीजिए, नहीं तो कर्मचारी तो आज के डेट में काफ़ी आक्रोशित हैं, कल यह भयावह स्थिति और भी इससे ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है और यह आंदोलन निरंतर ये चलता रहेगा जब तक के मांग नहीं होता दृढ़ निश्चय के साथ। अभी तो हम लोग, हमारे ऊपर कार्रवाई हुई हो इस नियत से ही कर्मचारी बैठे हैं, अब जो भी हो जाए, अब क्योंकि हम अपनी हिस्सा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हमको जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत जो वेतन है, उसको हम छोड़ना नहीं चाह रहे। अतः इतना ही मैं कहना चाहूँगा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको आप जो अधिकारियों के चाटुकारता अधिकारियों के जो गुमराह कर रहे हैं, उससे आप चंगुल से छूटिए, कर्मचारी संगठनों से बात करिए विनम्रता पूर्वक, और एक साथ आपके परिवार हैं, आप कर्मचारी अधिकारी रीढ़ के हड्डी है प्रशासक के, आपके जितने महत्वपूर्ण योजना है यही कर्मचारी साथी चलाते हैं, आप इनका अनुभव आने वाले दिनों में भी करेंगे। और ये रीढ़ की हड्डी टूट गया तो ना प्रदेश चलने वाली है ना देश चलने वाली है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आप फेडरेशन से आह्वान करके बैठक बुलाइए, चर्चा शुरू कीजिए, जो भी मांगे हैं उसको पूरा कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सभी कर्मचारी संघ के जितने भी सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ शासन से विनम्रता पूर्वक अपनी मांग रखते हैं कि हमारे महंगाई भत्ता और एचआरए जो है हमको समय पे प्रदान कर दिया जाए, ताकि हम उनके आभारी रहेंगे। और वर्तमान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कर्मचारी अपनी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और ये हम लोग की मांगे नाजायज नहीं हैं। पूर्व में भी मुख्यमंत्री महोदय ने इसे दिया है, परंतु समानता के आधार पर प्रदेश में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं कि हम सभी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, तो क्यों ना ये अधिकार हमको भी उन्हीं बाकी कर्मचारियों की तरह सम्मान के साथ दिया जाए, ताकि हम आंदोलन न करके प्रेम से अपनी मांगों को स्वीकार कर सकें।